Welcome Shweta, Raja, Dhairyam. Welcome to this Sunday session of Spiritual Spirals. And hi Shweta. Hi. Seeing you after quite some time. Padma ji is she is from Vijayanagaram, a village near Vizag, and she is an MCA. But right now she is devoting her entire time in this spiritual talks, and today she will be talking about Arshad Varga. मैं 1 plus हर्षद वर्गा बोल देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा सब हर्षद वर्गा, ये हर्षद वर्गा हम सिर्फ मेडिटेशन से ही कंट्रोल कर सकते हैं मास्टर्स, क्योंकि मेडिटेशन जब करते हैं हमें सोल अवेयरनेस रहता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। ये नॉलेज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमें हर्षद वर्गा ये करने के लिए। जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं हम हर्षद वर्गा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं मास्टर्स, और सोल कॉन्शियस में आने के लिए हमें मेडिटेशन एक ही माध्यम रहता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा 90% ऑफ द हर्षद वर्गा तो कंट्रोल हो ही जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द 10% जो रहता है मेडिटेशन से 50% तक कंट्रोल होता है, लेकिन 40% ना उस सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय से होता है। क्योंकि हम जब स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते हैं हमारे अंदर का जो ईगो रहता है, आई फैक्टर रहता है, वो ना कम हो जाता है। मैं मुझसे कोई ज्यादा नहीं, मैं सब जानती हूँ, आई का जो अहंकार भाव रहता है ना वो कम होते जाता है। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है हर्षद वर्गा से बाहर आने के लिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द 10% जो हर्षद वर्गा आपको बच जाता है वो गुड क्वालिटी सब वो रहना चाहिए। वो एंगर हो, आपका जेलस हो, काम हो, इच्छा हो, सब वो 10% रहना चाहिए, क्योंकि हमारे खुद की ग्रोथ के लिए। छोटी से एग्जांपल दूंगी। अभी अगर अनुराधा जी बोलेंगे कि मैं दिन में 2 घंटा मेडिटेशन कर रही हूँ, वीकली 1 बुक पढ़ रही हूँ, और मुझे बोलते हैं कि सत्संग में कि इतना पढ़ रही हूँ, पद्मा मैम बोलते हैं, तो मुझे क्या लगना चाहिए? अरे अनुराधा मैडम 2 घंटा करते हैं, वीकली 1 बुक पढ़ते हैं, मैं तो आधा घंटा भी नहीं कर पाती हूँ, वीकली 1 बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं करती हूँ तो मुझे भी मेडिटेशन में ज्यादा एक्सपीरियंस आएंगे, मैं भी थोड़ा आध्यात्मिक गति में आगे जा पाऊंगी। अगर मैं ऐसा जेलस रखती हूँ, ये जेलस, ये 1 प्लस हर्षद वर्गा क्या है, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में ना एक कैटालिस्ट के जैसे काम करते हैं बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ ये भी तो जेलस है और एंगर भी। देखिए कहीं गुरु रहते हैं, हम जिनको शिष्यों को, जब शिष्य कुछ गलत करते हैं, गुरु बाहर से दिखाते हो एंगर कि वो शिष्य जो कर रहा है वो गलत राह पे मत जाए, उसका आध्यात्मिक गति, आध्यात्मिक प्रगति वहां रुक ना जाए। इसीलिए वो गुरु गुस्सा करके थोड़ा उसको बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे करो। तो ये सब 1 प्लस हर्षद वर्गा है जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है कैटालिस्ट के जैसे। वो 10% ऑफ हर्षद वर्गा मास्टर्स। इसको हम स्पिरिचुअल टैबलेट में अगर देखते हैं तो अगर आपको नेल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो अगर अच्छे हैं तो आप 1 प्लस हर्षद वर्गा में आप अच्छे हो। अगर आपका कोई हेयर प्रॉब्लम, नेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप 1 प्लस हर्षद वर्गा मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब। और हर्षद वर्गा का भी ऐसा हमारा ऑब्जेक्ट साइंस है स्पिरिचुअल साइंस में, स्पिरिचुअल टैबलेट में मास्टर। आपके अगर फ्रिक्वेंटली टॉयलेट में, फ्लैश में और किचन में अगर सिलेंडर के पास कोई गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, बर्नर में कोई आग बहुत आ रही है, बर्नर जलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये सब अगर आप फ्रिक्वेंटली ड्रीम में, मेडिटेशन में, रियल लाइफ में अगर देख रहे हैं, और इसका मतलब आपको हर्षद वर्गा में आप फंसे हैं। हमारी जिंदगी में जो हम लोग ये जो एग्जांपल्स बताए कि जैसे फ्लशिंग का इक्विपमेंट या बर्निंग, जहाँ से हमको एक्चुअली एनर्जी मिलती है, या हमारे नेल्स, इनके ये इनको देखते हुए या इनमें हमारी कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम ये पता कर लेते हैं कि मतलब जो कि हम अपने ये जो भी हमारे अभी 6 अरशद वर्गा के जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं उस पे कंट्रोल है या उस पे हमें कंट्रोल करने के लिए अभी हमें काम करना है। तो ये ऑब्जेक्ट साइंस है, मीनिंग समथिंग विच इज एक्सटर्नल द एक्सपीरियंसेस वेदर इन ड्रीम्स और इन रियल लाइफ, और वो भी एक बार नहीं, अगर बार बार हो रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्ट साइंस में इंक्लूड करके फिर मतलब इसको टैबलेट दिया जाता है, यानी कि टैबलेट ना कि उसमें कुछ रेमेडी तो नहीं कहेंगे उसको, ये कहा जाता है कि हम इस चीज पर ध्यान दें कि हम कोई ज्यादा लोभ तो नहीं कर रहे हैं या अटैचमेंट तो नहीं है या कोई हम लोग ज्यादा खाना तो नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट टैबलेट्स दिया जाता है, डिफरेंट उनको रेमेडी दी जाती है या उनको जो डायग्नोसिस होता है प्रिस्क्रिप्शन ये दिया जाता है। एंड देन नाउ शी विल कंटिन्यू। वेलकम पद्मा जी बैक। यस सर, क्योंकि टॉयलेट आउटपुट वेस्ट बाहर भेजती है ना, तो हर्षद वर्गा भी हमारे अनवांटेड इमोशंस है। इसका मतलब हम हमारे अनवांटेड इमोशंस को बाहर नहीं भेज रहे हैं, हम अंदर ही रखें। तब आप जब आप फ्रिक्वेंटली आपके लाइफ में कोइंसिडेंटली मेडिटेशन में, घर में, बाहर ऐसे देखते हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप कौन से हर्षद वर्गा में फंसे हैं, या आपका कोई चीज पाने की बहुत इच्छा रखते हैं, या क्रोध है, कोई ग्रीड है, लोभ है कोई चीज का, या बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी के साथ, और आपका बहुत ज्यादा गर्व है या जेलस है। ये 6 चीज में थोड़ा थोड़ा ये हर्षद वर्गा तो हर रोज चेक करना चाहिए कि मैं कौन से चीज में ज्यादा हूँ, कौन से चीज में ज्यादा हूँ। और एक चीज, हमारे अगर फ्रिक्वेंटली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी तो हमारा बॉडी का वेस्ट निकालने के लिए हेल्प करता है ना, इसीलिए वो भी वेस्टिंग के काम करता है बाहर निकालने में, एक्सक्रेशन में। तो अगर आपके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये भी इसका मतलब है कि आप हर्षद वर्गा में फंसे हैं। ये है मास्टर ऑब्जेक्ट साइंस। और 1+ हर्षद वर्गा का ऑब्जेक्ट साइंस ये है कि आप अगर आपका वो 10% जो मैं बोली तो 6 हर्षद वर्गा को 6 क्वालिटीज का 10% अगर आप एक्यूरेटली आपके डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका हेयर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नेल्स का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेल्स में कभी टूट जाते हैं, किसी किसी का नेल ऐसे ही टूट जाते हैं, कोई कुछ कुछ नेल्स में प्रॉब्लम रहते हैं, और हेयर भी बहुत फॉल रहता है। ये सब 1+ हर्षद वर्गा का आप, इसका मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं है कहीं पर, ये दिखाता है ऑब्जेक्ट साइंस मास्टर्स। इंटरेस्टिंग टू नो कि हम कैसे हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले जब मैं आपको सुन रहा था तो कुछ मेरे मन में प्रश्न उठे, और आपने एक बात कही कि जो सोल है वो उसका जो पर्पस है वो लर्निंग का पर्पस है, और अपने जो कर्मा हैं उनका जो भी है निवारण कर लें या नए कर्म वगैरह जो भी है उनका बैलेंस, उनको बैलेंस आउट करना है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लर्निंग क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, हम क्या क्या लर्न करने आए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, हर सोल ना, इससे पहले आप जिस बॉडी में इससे पहले आए थे, इससे पहले थे, वो सोल कुछ सीखा है, कुछ सीखा है, कुछ तो सीखा है, और जो सीखा है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ आता है बॉडी लेके। सोल तो क्या बोलते हैं आप, सोल में जो संस्कार है उनकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे संस्कार। नहीं, मैं बोल रही हूँ आप लर्निंग, क्या लर्निंग करना है बोल रहे हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ। आपका मेरा सोल है, मेरा सोल इससे पहला कुछ सीख के आई है, लेकिन जैसे क्या जो मेरा सोल सीखा है वो मेरा संस्कार है, और मैं कुछ सीखना चाहती हूँ, कुछ प्लान करना सीखती। आप स्टैंडर्ड 1 में हैं, कुछ सीखे हैं, फिर स्टैंडर्ड 2 में जाएंगे, स्टैंडर्ड 1 में सीखने के बाद ही स्टैंडर्ड 2 में जाएंगे, फिर स्टैंडर्ड 2 में सीखने बाद ही 3 में जाएंगे, डायरेक्ट 1 से 10 में तो नहीं जाएंगे सर, कोई भी नहीं जाएगा। प्रश्न ये है मैडम कि एक तो हम सीख रहे हैं, हम लर्निंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, बट मेरा हाँ जो प्रश्न है वो ये है कि जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा पर्पज है, सोल का पर्पज है कुछ सीखना। लर्निंग, तो हाँ लर्निंग। अकॉर्डिंग, हाँ लर्निंग सॉरी, तो अकॉर्डिंग टू योर क्या फिलोसफी सीखने आते हो आप? क्या व्हाट सीखने आते एग्जैक्टली वी नीड टू लर्न? हो? हाँ ठीक है सर, मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ। हम सब जी बोलते हैं ना, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम हमेशा बोलते हैं मेरे लाइफ में ये डिजीज है, मेरे लाइफ में ये डिजीज है, वो डिजीज है। हम सब ये प्रॉब्लम और डिजीज क्यों लेके आते हैं सर? क्यों लेके आते हैं? हम अगर जीने खुश रहना चाहते हैं, ये तो डिजीज, प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हर चीज में क्यों हम लेके आते हैं लाइफ में? वाई? क्योंकि संसार जो है नहीं वो सर, से दुख दुख है। में नहीं। नहीं, आप कब एक प्रॉब्लम कब सॉल्व करते हो? आपको मैथ का मैं एक प्रॉब्लम दी हूँ, आप कब सॉल्व कर पाओगे? आपके जब स्किल्स रहता है, हाँ कि नहीं? एक राइट एक प्रॉब्लम, मैथ्स का प्रॉब्लम दी हूँ, आप सॉल्व करते हो, आपको कितना अच्छा लगता है, उसका नॉलेज होने से आप सॉल्व कर लेते हो ना। और दूसरा, हम्म और थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम को ट्राई करते हो, ये प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर लिया, ये सीख लिया है मैंने, मुझसे ये प्रॉब्लम से मुझे ये फॉर्मूला पता हो गया, चलो और थोड़ा हार्ड वाला प्रॉब्लम ट्राई करती हूँ। तो वो प्रॉब्लम फिर ट्राई करने लगेंगे, उस प्रॉब्लम से और थोड़ा सीखेंगे। ऐसे ही हम लाइफ में ना जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं, दुख क्रिएट करते हैं सर, ये सब लर्निंग के लिए। मैं अगर मेरे घर में मैं अपने शरीर में एक डिजीज लेके आती हूँ, तो इट इज माई लर्निंग, माई फॉर माई सोल लर्निंग, कि मैं ये सोल ये लर्निंग सीखना चाहती हूँ। पेशेंस का अगर मैं सीखना चाहती हूँ इस लाइफ टाइम में, सोचिए मैं इस लाइफ टाइम में मेरा सोल का लर्निंग है पेशेंस। पेशेंस सीखना है, धैर्य, कोई भी सिचुएशन हो मुझे धैर्य सीखना है इस सोल को, इस लाइफ टाइम, इस लाइफ, ओनली दिस लाइफ टाइम। तो वो कैसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी लाइफ में? सिर्फ डिफिकल्ट, रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डिफिकल्टी, कोई कुछ भी बुरा बोलता है डिफिकल्टी, इन लॉस में डिफिकल्टी। पद्मा जी, इसको अगर हाँ हम ये समझे कि ये सॉफ्ट स्किल्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे हाँ कि जो कि साइंस में, जैसे कि जो एनालिटिक्स है या उसको हाँ जो बाहर, लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग है अगर उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, जो वो क्वेश्चन पूछ हाँ रहे हैं रजत जी, तो क्या हम ये कह हाँ सकते हैं कि हमारी किसी सॉफ्ट स्किल के बारे में हमारा एक कोई सोल लेसन होगा, हम वो सीखने आए हैं, हाँ हाँ, या मैं कुछ वही बोल इसके अलावा, कि उसके अलावा कुछ आप बोल रहे हैं? यही लाइन ही लिखने आते हैं मैम, जो अच्छा हमारा स्किल स्किल पहले से जानता है और अभी उसका कुछ नॉलेज पहले से रहता है, वो नॉलेज को वो यहाँ पर बट एक्सपेरिमेंट करेगा और कुछ नया सीखेगा, फिर नया सीखेगा तो फिर नया ग्रोथ करेगा ना। एवरी सोल, एवरी कॉन्शियसनेस का, हर एक कॉन्शियसनेस ना अपना ग्रोथ इवॉल्व होना चाहता है। ठीक है हर मैम, कॉन्शियसनेस, जैसा ठीक, स्टैंडर्ड 1 का स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10 में जाना चाहता है, एक एक क्लास, ऐसा ही एवरी सोल। जैसे ये तो सोल का बहुत लंबा जर्नी, मतलब और सोल ये इवेंचुअली कहाँ जाना चाहते हैं, ये इवॉल्व होके? व्हाट इज आवर फ्यूचर एवरी डेस्टिनेशन? एवरी 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 सोल वांट टू बी सुप्रीम सोल सर। हम जो बोलते हैं कि नहीं, हम सोल पेरेंट, हम क्या बोलते हैं, हम परमात्मा, परमात्मा हमारे पिता हैं, हम बच्चे हैं, उनके सोल हैं बोलते हैं, ये सही है ना। लेकिन पेरेंट्स, हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, मैं अपनी मम्मी पापा के जैसे बनना चाहता हूँ, वो भी बड़े हो जाएंगे। लेकिन वो बड़े होने के बाद क्या अपनी मम्मी पापा में इवॉल्व हो जाते हैं, मिल तो जाते हम हैं, नहीं, हम जब खुद सुप्रीम सोल इवॉल्व बनना होते हैं। चाहते हैं, हम जब सुप्रीम हम भी सोल खुद बनना, सुप्रीम सोल बनते हैं। तो वो सुप्रीम ये मेरा सोल, जर्नी, एक सेकेंड, सुप्रीम सोल हाँ बहुत बस, सारी होंगी या सुप्रीम सोल एक होगी? हम उस सुप्रीम सोल की क्वालिटीज में मैच करना चाहते हैं सर। उससे क्या होगा? क्या व्हाट डू यू वांट? हम वही कॉन्शियसनेस में मिल लेंगे जो सुप्रीम सोल का वो कॉन्शियसनेस है। मतलब हम ये उसमें वो सब जो वो एक जो ही कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस है उसके अंदर हम वापस से है। वापस से इन्फ्यूज हो जाएंगे, वापस से जाके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक हाँ सागर है, उस सागर में से एक बूंद बाहर हाँ निकल के आई और वो बूंद अपनी एक जर्नी कर रही है और फाइनली उसका जो डेस्टिनेशन है वो उस बूंद को वापस से उस सागर के अंदर मिल रहा है। वो एक ऑप्शन है। देखिए एयर जो है, हाँ एक और देखिए एक एयर है, एयर सभी जगह पर है, एयर उसके अलावा क्या सभी ऑप्शन जगह है पर मैडम? है। उसके अलावा क्या ऑप्शन? पॉट में भी एयर है, पॉट में भी एयर है, वैक्यूम एक पॉट रखी हूँ उसमें भी एयर है, लेकिन जब मैं वो पॉट को तोड़ देती हूँ वो एयर कहाँ है? फिर जो बाहर जो था उसी एयर के साथ मिक्स हो गया। हाँ कि नहीं? ऐसे ही ओके मैम। Rajat, to answer your question, there are many soul paths that a soul takes. One of it, this जो आप बोल रहे हैं कि वो उसमें विलीन हो जाता है, and it is the magnitude of the problem that one faces that each person in your human life faces in his say in a series of lives or in one life. So it's not just patience say with one person or with a family. Maybe then, say suppose like, managing a country or managing the patience level of the entire world or universe or many universes or multi-dimension. So we don't even understand that what kind of patience or administration skills that we are working on through these problems or diseases that we are facing. So I don't want to get into the magnitude of it, but we are facing. And then the soul path is decided or it is an option that we work on. One is to get and जो विलीन होना कि मतलब वो जो सुप्रीम में जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया एग्जैक्टली वही, बट देयर आर अदर जैसे कई सारे सोल्स होते हैं वो जाके जैसे कि हनुमान जी का जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, he is then the guide and mentor of the teachers of the teachers who are like guides of the other human being in the just the earth. ये जो एग्जाम्पल्स हमें पता चलते हैं कि वो फिर गाइड्स या मेंटर्स हो जाते हैं। द अदर वन दैट आई नो अबाउट इज देन दे आर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दीज मल्टीवर्सेस और द यूनिवर्स दैट वी नो अबाउट। दीज आर द 2-3 थिंग्स दैट वी नो। और इसके जो मैंने जहाँ पर श्री एम और ये सब समझाते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि जो लोग वहां से आगे पहुंचे हैं, मतलब जो सोल पास होते हैं, जो वो कह गए हैं उतना ही हम समझ पाते हैं यहाँ पर, मतलब धरती के लेवल पर जो वो कह गए हैं उतना ही हम समझ पाते हैं। तो इसके लिए हमें उसके आगे का पता नहीं है। और when we reach there or when our consciousness reaches there, only then it will be understood. But these are 2-3 things that a soul can that at least I understand of what I've heard from the other people. Thank you. I think that's quite helpful. Yeah. Any other questions from anyone? Hello, Padma ji. Padma ji, बहुत ही अच्छा आपने बोला जैसे रजत ने कहा, और मुझे सिर्फ एक ही आपसे विनती है, कमेंट है, एक क्वेश्चन है और एक विनती है, एक अनुरोध है कि आपने इतना अच्छा बोला लेकिन आपने बीच बीच में एक वर्ड यूज किया मास्टर्स या मास्टर, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसा हमारे एक्चुअली स्पिरिचुअल टैबलेट में ईच वन इज मास्टर बिकॉज वी थिंक दैट इफ वी आर इन स्पिरिचुअल पाथ वी ऑल आर मास्टर्स ऑलरेडी बिकॉज वी नो वी थिंक दैट वी आर सोल। चलिए मैं यही कहूंगा कि अगर इसकी जगह आपको ये अच्छा सा एक वर्ड स्वामी या देवी जैसे हम लोग जनरली संबोधन करते हैं को संबोधन में यूज करते हैं, उस तरह का वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मास्टर्स एंड स्लेव वाला मेरे अंदर से वो एकदम से फीलिंग आई। अच्छा वही है तो नहीं अगर आप करें तो हाँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा आपने का क्या कंटेंट होना सिर्फ एक अपने मन को बहलाने वाली बात है, डिस्ट्रैक्ट करना है या फिर उसका कोई परमानेंट नहीं। मतलब मैं पद्मा जी बस एक बात कहना चाहती हूँ, पद्मा जी आप फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ऑल दिस डिस्कशन फॉर पास्ट 1 hour इज कि वेदर वी आर ड्रिवन बाय आवर पीसफुलनेस और कंटेंटमेंट और ग्रीड और नॉट, ओनली दैट चेक है ना। यहाँ पर ये भी है कि हम उसे आगे भी बढ़ना है, चाहे स्पिरिचुअलिटी में बढ़े, चाहे हम अपने मतलब जो आगे हमारे बढ़ने के फिर रास्ते क्या होंगे? अगर हम कंटेंट हैं अपनी स्थिति से, तो फिर हम आगे बढ़ने का स्ट्राइव ही नहीं करेंगे। आई थिंक धर्मेंद्र जी ये पूछना चाह रहे हैं। वो सर सर एक मिनट सर, इवोल्यूशन आता है वो कहाँ से ओके आएगा? सर वो किस जाएगी? ओके सर, मैं एक बात बोलूंगी फिर आप बोलिएगा। आप रमन महर्षि को सुने हैं? रमन महर्षि बिल्कुल का नाम सुने हैं? जी 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 सुने जी हैं? बिल्कुल हमारे जी खत्री सर बहुत लोग हैं, बहुत ही इतने महापुरुष हैं जितने जिनके पास, जो लोग स्पीच बोलते हैं, जो जो बात करते हैं, लाखों लोग रहते हैं ना। उनके पास लग्जूरियस कार रहती है, उनके पास एक कमरा रहता है, कुछ रहता है, उनके लाइफ में कुछ गोल्स नहीं रहते हैं। मुझे आज ये अचीव करना है, कल वो अचीव करना है, कल वो चाहिए, मुझे वो कंट्री चाहिए। जितने भी आजकल आप जितने भी महान, मतलब जो एनलाइटेड पर्सन है, मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, जो एनलाइटेड पर्सन है वो कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट नहीं है तो एनलाइटेड वो इतना खुश क्यों है? इनके पास इतने सारे लोग, जो जिनके पास आप जैसे बोले सब चीज मैम है, सब सब ए टू जेड, पर वो लोग क्यों इनके पास आते हैं सर? जी पर पद्मा व्हाई जी, दे आर कमिंग? वो उनका लाइफ का जो पाथ है वो स्पिरिचुअल पाथ पे है ना। उन्होंने अपने लाइफ को एक वो पाथ दे दिया है। हम लोग जिस पाथ पे हैं, वी आर इंक्लाइन टू स्पिरिचुअल पाथ, पर वही हम लोग अपनी वही अपनी लाइफ हम में हम हम अपनी अपनी लाइफ में हम एक लाइफ जी रहे हमको हैं। मिडिल पाथ में जाना है सर, जी हमें तो मिडिल वो पाथ में जाना है। हमें तो वही तो हम मैं बोल रही हूँ, आपको मिडिल पाथ में जाना है, तो वो सोसाइटी के डिटैचमेंट साथ हमें हमें रहना कैसे है। हमें नहीं हमें डिटैचमेंट वो आ नहीं सकती, और वो इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि हम उस आप पाथ पे है अगर ही नहीं। आप मेडिटेटर हो सर, आप हाँ बिल्कुल, मैं मेडिटेटर हो, मैं मैं मॉर्निंग में उठ के शाम में मेडिटेशन करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगेन मेडिटेशन भी मैं वही कहूंगा कि मेडिटेशन इज नॉट ए सॉल्यूशन। मेडिटेट जो वर्ड बना मुझे है ये सर लैटिन लैटिन मुझे लैंग्वेज से निकला सर है। सर एक मिनट, हाँ लेट मी कंटिन्यू। मुझे एक सर बोले, सर मैं 5-6 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे वननेस क्या है पता नहीं। हम्म, एक सर बोले, मैं एक बार सुनी तो जी मैं लास्ट, यू कांट बिलीव, मैं 1 मंथ ही आई हूँ मेडिटेशन के। इससे पहले भी मेरा मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं मुझे ये स्पिरिचुअलिटी कुछ पता नहीं, लेकिन मैं हर चीज में, आई एम ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट एंड फ्रॉम हम्म लास्ट 8 years आई एम इन ए हाउस आइसोलेटेड एंड आई हम्म कांट डू एनीथिंग, I हम्म, can't go outside. I can't do. I am isolated in a house, so that I have low immunity power. तो मुझे हम्म, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, मुझे इन्फेक्शंस ज्यादा रहते हैं। हम्म, तो मैं एमएससी खुद पढ़ी हूँ, एमएससी फिजिक्स में मैं टॉपर रही हूँ, जी मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ। मेरा एजुकेशन वहीं बंद हो गया जब मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरा 3 साल की बच्ची थी, मेरा जब ओहो ऑपरेशन हुआ तो मैं हम्म, सब छोड़ दी मेरे फॉर माई हम्म, डॉटर। तो हम्म, हम्म, मैं दूसरों को देखती थी, आप जब बोले कि आप कंटेंट कैसे रह सकते हैं, तो मैं अपनी बात बोल रही हूँ सर, नहीं तो मैं नहीं बोलती। हम्म, जब हम्म, मैं हम्म, दूसरों को देखती थी, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। हम्म, तो मुझे स्टिल आई एम टेकिंग ए टैबलेट, आई एम कंटिन्यू माई लेक्चर सर। अच्छा तो मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी और मैं हम्म, सबको देखती थी, सब लोग काम करते थे। तो मुझे लगता था कि पहले मुझे लगता था मैं नहीं काम कर रही हूँ, मैं मुझे काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी। फिर मुझे एक दिन सडनली सोच आया कि नहीं, उन सब में तो मैं हूँ, जो काम कर रहे हैं, जो दौड़ रहा है, जो घूम रहा है, वो जो पानी ले रहा है, सब में तो मैं हूँ। ये बिस्तर में सिर्फ मैं तो नहीं हूँ, हर जगह हम्म, पे हम्म, मैं हूँ। हम्म, तो ये बिस्तर में जो पड़ा है वो पद्मा में नहीं हूँ, हर चीज में जो काम कर रहा है, खुशी है, सब में, बच्चों में, बूढ़ों में, हर चीज में, हर जगह पर मैं ही हूँ। हम्म, तो हम्म, मैं एक चीज तो नहीं हूँ, मैं सब कर रही हूँ। उस दिन से मेरा कोई दुख नहीं है और मैं एक हम्म, फॉर लास्ट 8 years से आई एम हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन माई बात। अब बोले ना क्या लर्निंग लेके आए हो। मैं मेरे डिजीज को मैं कभी भी एक, सब लोग बोलते हैं बाहर के लोग, तुम कोई जन्म के पाप किए हो, ऐसे हो वैसे हो, मैं लेकिन कभी रिग्रेट नहीं होता मेरी लाइफ हम्म, में। नहीं, मेरा डिजीज मुझे सिखाने के लिए आया है, मैं हर पल ब्लेस्ड हूँ। ये लाइफ भी मुझे अच्छा लाइफ है, मुझे कोई दुख हम्म, नहीं है इस लाइफ के साथ। हम्म, आई एम हैप्पी। हाँ, मैं जो अचीव करना चाहती थी, शायद इस लाइफ के लिए ये मेरा गोल्स था, यही हम्म, है, इसके ज्यादा मेरा नहीं होगा। मैं इस ऐसे मैं खुद को लेती हूँ। लेकिन मैं अगर सोचूं सर, इसके बदले अगर सोचूं अरे मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना तो मैं पढ़ी हूँ, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, ये हो गया, मैं क्या खुश रह पाती सर? मुझे तो जीना है, मेरा जितना लाइफ टाइम है मुझे तो जीना है। मैं अगर 60 ईयर, 50 ईयर, 20 ईयर का लाइफ स्पैन लेके आई हूँ। मेरा एक किडनी ट्रांसप्लांट 8, 10, 15 ईयर्स बोलते हैं डॉक्टर, मैं ऑलरेडी 9 ईयर्स क्रॉस कर चुकी हूँ। आई हैव 6 ईयर्स लेफ्ट। मुझे नहीं पता मैं कितने साल बचूंगी, लेकिन मुझे बचने तक मुझे खुश रहना है, हर पल खुश रहना है, हर सांस के साथ खुश नहीं, आई रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे नहीं पता था पद्मा जी, पर लेकिन आज देखिए आपने नहीं लाइफ को नहीं बनाया नहीं है, इस तरह से सोच बनाई है, इट्स अ ग्रेट थिंकिंग। ये नहीं है बनती, तो ये मैं नेचुरली बोलती हूँ, बनती नहीं है सोच से एक्चुअली ना, बनती है इस सर, हाँ। सोच से बनती है जिंदगी। आपकी सोच ही हर चीज है। यू कैन हम्म मेक योर लाइफ विथ योर थॉट्स सर। आप जो नहीं, मैं कह रहा हूँ सोचेंगे कि ये नेचुरल हमारे नहीं में आता है। जैसे आपकी लाइफ में इतना कुछ हुआ, आई थिंक वो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो रहा है जिसने आपको इस लेवल तक, इस सोच आने में आपको मतलब हेल्प किया है, या उस आपको आपको कंक्लूजन ये है कि आप तभी इतने स्पिरिचुअल और उतनी उस पर आई हैं क्योंकि आपने वो लाइफ देख ली है। मेरा कह रहा हूँ कि जो जनरल लोग ऐसी हैं, कोई जो बात जनरल नहीं है। पब्लिक है ना, जो मैं जो एक बेचारे अपने बात रोजी रोटी के लिए अपने काम में सर, जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहाँ से हाँ आएगी इतनी इतनी किक? उनको उनको तो बेचारों को अपनी लाइफ, सुबह उठना है, काम पे जाना है, रात को सोना सर, है, डोंट फिर डोंट कॉल एनीवन बेचारा और बेचारी, क्यों ना हम जब जी लो ऑफ कर्मा के आ जाते हैं ना, कोई जी बेचारा कोई बेचारी नहीं होता। हर कोई ना हम्म अपना कर्म का ही रिपेमेंट कर रहा है। हम्म एवरी वन इज रिपेयरिंग। आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही खर्च करेंगे ना। आप हम्म अगर अभी खर्च कर रहे हैं, इफ यू आर डिजर्विंग ए गुड जॉब, गुड पोजीशन, गुड लाइफ, दैट मीन्स यू डिड समथिंग गुड इन योर पास्ट लाइफ, पास दैट्स किया व्हाई है यू आर आपने इसी लाइफ में, डिजर्विंग थोड़ा अच्छा कर लिया है। थोड़े दिन पहले इट। था तो इसी उसका लाइफ में थोड़ा अच्छा अच्छा किया होगा। हाँ ध्यान आपको हमें आज क्या परमानेंट मेडिटेशन का सॉल्यूशन एक दे रहा न्यू है, मेरा न्यू सिर्फ इतना न्यू समझ। मीनिंग बता रही हूँ सर। हम्म, आज मेडिटेशन का आपको मैं एक न्यू डेफिनेशन बता रही हूँ, आप थोड़ा एनालाइज करके मुझे बोलिएगा। मेडिटेशन का मतलब है आपको इनर थॉट्स को चेंज करने से आपका आउटर वर्ल्ड बदल जाएगा। आप अपने बाहर की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते सर, आपके हाथ में आपके बाहर की परिस्थितियां नहीं है। बदल सकते हैं क्या? नहीं सकते। लेकिन क्या आपके हाथ में है? आपके थॉट्स आपके हाथ में है। हम जब कर्मा करते हैं हमारे थॉट्स से करते हैं, हमारे बातों से करते हैं, हमारे कर्म से होता है सर। और सबसे बड़ा कर्म किससे होता है पता है सर? हमारे थॉट से। आप अगर आपका एक थॉट बदलने के लिए कितना लगता है, कितना टाइम लगता है? बोलिए। मैं अगर बोलूँ कि सर आपका नाम मुझे ठीक से पता नहीं, मैं बोलूंगी कि वो अच्छे हैं, तो मेरे लिए अच्छा एक थॉट क्रिएट होगा उन आपके लिए। वो बुरे हैं तो मेरे मन में इमिडिएटली एक बुरा थॉट क्रिएट हो जाएगा। थॉट क्रिएट करने के लिए एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं लगता है सर, इसीलिए आपका लाइफ चेंज होने में भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड नहीं लगता। लेकिन चेंज आपको होना है, आपको थॉट को चेंज करने का मन आप में होना चाहिए, दूसरों में नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना, उसको कितना भी समझाओ समझता नहीं। कोई किसी को बदल नहीं सकता। बदलना है तो खुद को बदलना है। आपके थॉट पैटर्न में, आपको थॉट पैटर्न को चेंज कर सकती हूँ मैं, समझा सकती हूँ सिर्फ, लेकिन बदलना तो आपको है। आप अगर आप इनर थॉट को चेंज कर सकते हैं तो आपका आउटर वर्ल्ड उतना ही सुंदर होगा। मेरा लाइक अंदर का चिंता विचार ही मेरा बाहर का दुनिया है सर। यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आपके थॉट्स जैसे रहते हैं आपका बाहर का रियलिटी वैसा ही होता है सर। अगर आप टीवी चाहते हो घर में तो आपके टीवी आ जाता है ना घर में, कि दूसरों के पड़ोसों के चाहने से आपके घर में टीवी आता है? नहीं आता है ना। आपके चाहने से ही आपके घर में टीवी आता है। ऐसे ही और आप अगर जो सोचते हैं और अगर मैं चाह रहा वही हूं कि रिजल्ट मेरे होता है। अकाउंट में $1 मिलियन आ जाए तो वो क्यों नहीं आते हैं? सर आएंगे आएंगे। आप ऐसे नहीं चाहिए। आप बोलिए कि आप बोलिए कि यूनिवर्स को $1 मिलियन आने का वो मुझे अपॉर्चुनिटी दो। आस्क लाइक दैट, ही गिव यू इमीडिएटली 1 लाख, वन राइट, मिलियन डॉलर क्रिएट करने का वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। कुछ महीने के बाद आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे। सिंपल सी हम्म बात है सर। थोड़ा सा एवरी अब हम प्रॉब्लम इज अ मैजिक और सॉल्यूशन। की तरफ जा रहे हैं। मैं भी यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मेरे लिए मेडिटेशन बोलिए जो है, आपने कहा थॉट्स को चेंज करना, और हाँ मुझे लगता है कि अगर हम अपने थॉट्स के जो विचार हैं उनकी गति को स्लो डाउन कर लें, हाँ मेडिटेशन का ये भी एक 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 वो है, कहना चाहिए फायदा, कि हम अपने विचारों की गति को हाँ को धीमा करते हैं उस प्रोसेस में, कम और करते हैं। कम करते हाँ हैं, और वो तो भी आप वो भी सबको पता है या नहीं, हमारे दिन में, एक दिन में एज एन ह्यूमन बीइंग जनरल 60 to 70,000 थॉट्स आते रहते हैं। 60 to 70,000 थॉट्स एक इंसान के हम्म दिमाग में आते रहते हैं। उसमें तो हम्म 99% बुरे ही होंगे, नेगेटिव थॉट्स ही होंगे। नहीं, और बुरे नहीं नेगेटिव होंगे थॉट्स हम क्यों उसमें, बोलते नाइन्टी हैं? नाइन परसेंट हमारे रिपीटेड होंगे, बुरे हाँ उस बुरे नहीं होंगे। रिपीटेड होंगे, हाँ फिर दूसरों के बारे में ज्यादा, दूसरों के बारे में होंगे ज्यादा, दूसरों के बारे में होंगे, हमारे बारे में नहीं इट होते हैं। डिपेंड्स, इट हम डिपेंड्स। ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम्म तो एनीवेज, जब हम बहुत मेडिटेशन अच्छा रहा। करते एक्चुअली आज का हैं, टॉक बहुत अच्छा मेडिटेशन, रहा। अब हम इसको अब ये थर्ड थैंक यू। टाइम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और थैंक यू पद्मा, सो ब्रिलियंटली और धैर्यम, थैंक यू वेरी फॉर ग्रेट क्वेश्चन, बहुत ही मतलब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन थे रजत और धैर्यम आपके, एंड विल कंटिन्यू। और थैंक यू पद्मा सो मच फॉर योर टाइम। या हाँ आंसर दे पाई। हाँ बिल्कुल, सॉरी आपने मैडम, बहुत मेरी अच्छे आपने बहुत अच्छे से दिया है गलती पद्मा, से। आपने बहुत अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, है ना। और इस थॉट लाइक का अनुराधा जी ने बताया कि हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। और मेन चीज देखिए ये है कि मैं रजत को भी बोलता रहता हूँ कि मैंने कहा ये जितनी भी टेक्निक्स हैं दे आर ऑल गुड, और इनको हमें यूज करके अपनी लाइफ अपनी यूजफुल बनानी है ना। एक्चुअली तो ये ना देखिए, अब ये मैं दोबारा से आप इसको डिस्कशन में नहीं तो जाना चाहती, मैं इसको बोलो कंक्लूड कर रही हूँ। पर ऐसा लगता है कि ना ध्यान ऐसा टूल है, लेकिन ध्यान क्या है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना, जैसे जी सांस लेने की तरह। तो ध्यान वो हाँ एक्चुअली डेफिनेशन वो ये बोल रही है, या वो ये कि सांस लेने पे जब हम ध्यान दे रहे हैं या किसी चीज पे, तो हम जब सांस लेने पे ध्यान देते हैं तो हर चीज पे ध्यान देते हैं, उसका जो प्रोजेक्शन जाता है। देन वी आर लाइक ध्यान फिर हमारे ग्रीड पे भी जाएगा, डिटैचमेंट पे भी जाएगा, अटैचमेंट पे भी जाएगा, हमारे गोल्स पे भी जाएगा, एंड टू मेक इट 400x, हाउ टू मेक दैट गोल 400x पर भी जाएगा। हाँ सो हाँ या जी। थैंक यू पद्मा जी, एंड थैंक यू मैं जी, आपको दोबारा कभी थैंक जरूर बुलाऊंगी, सो दैट वी हैव दिस लवली सेशंस वंस थैंक यू मोर। थैंक थैंक यू यू सो पद्मा, मच। थैंक थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक थैंक यू यू पद्मा, सो मच। थैंक यू थैंक अनुराधा जी। थैंक यू बाय सर, बाय थैंक यू फॉर योर बाय टाइम, थैंक यू सर। enjoy rest of your day, बाय, टेक केयर, evening. बाय। Bye. Thank you. Bye.